फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल सॉल्व स्टूडेंट असेसमेंट सेट 3 दिसंबर 2021, ग्रेड क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 60 मिनट्स, मार्क्स 20। इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 13 कैरीज 5 मार्क्स। नाउ डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 1 to 5, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन, द लैंग्वेज ऑफ द टॉकिंग फैन वॉज। टॉकिंग फैन की लैंग्वेज कैसी थी? ए सिंपल, बी अंडरस्टूड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, सी नॉट अंडरस्टूड बाय द पोएट, डी सिंपल चैटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट अंडरस्टूड बाय द पोएट। द लैंग्वेज ऑफ द टॉकिंग फैन वॉज नॉट अंडरस्टूड बाय द पोएट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 2, ए वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ एज ए नाउन एंड ए वर्ब। शब्द को नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। इसके अनुसार ही करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। वी आर गोइंग टू सी ए डैश इन द सिनेमा टू नाइट। द टीम डैश वेरी वेल बट सैडली लॉस्ट द गेम। दोनों ही जगह आपको ब्रैकेट में प्ले दिया हुआ है। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए प्लेड प्ले, बी प्ले प्लेड, सी प्लेइंग प्ले और डी प्लेड हेड प्लेड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो का फर्स्ट वाला जो प्ले है उसका प्ले का प्ले ही रहेगा। वी आर गोइंग टू सी ए प्ले इन द सिनेमा टू नाइट। आज हम सिनेमा में एक नाटक देखने जा रहे हैं, तो प्ले यहाँ पर नाटक की सेंस है। उसके बाद अगला है, द टीम प्लेड वेरी वेल। टीम बहुत अच्छा खेली बट सैडली लॉस्ट द गेम। लेकिन दुख की बात यह है कि वो मैच या गेम हार गई। तो बी ऑप्शन प्ले प्लेड आपका करेक्ट है। नाउ थर्ड वन, द टीचर सेड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर लंच। चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ऑप्शंस ए, द टीचर टोल्ड मी इफ आई हैव फिनिश्ड माई लंच। ऑप्शन बी, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई लंच। ऑप्शन सी, द टीचर आस्क्ड मी इफ शी हैड फिनिश्ड हर लंच। ऑप्शन डी, द टीचर टोल्ड मी टू फिनिश माई लंच। तो सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, हैव यू फिनिश्ड योर लंच, क्वेश्चन मार्क है। और रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, हैव से। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो रही है। तो आपको क्या करना है, सेट टू को तो आस्क्ड में चेंज करेंगे आप, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम इफ़ से जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी इफ। फिर यू आपका जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो मी है तो आई हो जाएगा। फिर आपका जो हैव है वो हेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका योर है, ये भी सेकंड पर्सन से जाएगा, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये भी आपका जो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में मी है तो फिर योर का माई हो जाएगा। द टीचर आस्क मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई लंच, ये आपका बनेगा। तो ऑप्शन बी, द टीचर आस्क मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई लंच, ऑप्शन बी करेक्ट है। फोर्थ वन, आई फोन्ड हिम बिकॉज आई डैश टू टॉक। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ए वॉन्ट, बी हैव वॉन्टेड, सी एम वॉन्टिंग और डी वॉन्टेड। मैंने उससे फ़ोन किया क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता था, तो वॉन्टेड होगा स्टूडेंट सेकेंड फॉर्म। आई फोन्ड हिम बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक, ऑप्शन डी वॉन्टेड इज करेक्ट। खत्म करता हूँ। नाउ क्वेश्चन 5, Who play hide and seek behind the trees? A. Infants, B. Adults, C. Children, D. Birds. क्वेश्चन है कि पेड़ों के पीछे लुका छिपी का खेल कौन खेलते थे? तो स्टूडेंट्स, बच्चे खेलते थे। सी ऑप्शन चिल्ड्रन इज करेक्ट। चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज। नाउ क्वेश्चन 6 to 9, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 2 वर्ड्स। क्वेश्चन 6 से 9 में क्या है कि आपको जो है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में देने हैं। क्वेश्चन 6 है आपका,
शी इज नॉट अफ्रेड डैश घोस्ट, जहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है और स्टूडेंट्स अफ्रेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, उसे भूतों से डर नहीं लगता। नाउ क्वेश्चन 7, इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम इन ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विद यू माया, शेड निषाद एंग्रीली। हु इज बींग कॉल्ड क्रिमिनल हियर, यहाँ पर क्रिमिनल किसे कहा जा रहा है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रिमिनल कहा जा रहा है मिस्टर नाथ को। मिस्टर नाथ इज बींग कॉल्ड क्रिमिनल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वॉट वॉज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द गोट्स ऑफ हिल ब्रिड, हिल ब्रिड की गोट्स की स्पेशल क्वालिटी क्या थी? तो उनकी स्पेशल क्वालिटी थी कि वो फ्रीडम को लव करते थे। तो आंसर है इसका लव फ्रीडम। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर गोलू की हेल्प किसने की, गोलू की मदद किसने की? वो की स्टूडेंट्स पाइथन ने। पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, PYTHON, पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 7th इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किए सेट 3 के। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।